Friends, today I will discuss the fourth lecture of coordinate geometry, and in this lecture we will discuss about properties related to trapezium, kites, section formula, and bol sakte ho ki centroid of the triangle, medians of the triangle, in center of the triangle. तो जो जो fundamentals straight line के पहले coordinate geometry में बचा हुआ है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कहां तक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर तुम्हारे पास सीक्वेंस में चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. जो डिस्कशन अभी आपके पास इस लेक्चर में आई मीन टू से बच जाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उस क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को हमने पढ़ा था, और हमने बताया था कि हमारे पास ट्रैपेजियम और काइट को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. तो ट्रैपेजियम और काइट आइए हम लोग डिस्कस करते हैं. ट्रैपेजियम के बारे में तो आपने 9th-10th में पढ़ा रखा होगा कि वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रैपेजियम बोलते हैं जिसमें कोई दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए. ठीक है, तो हमने लिया हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रैपेजियम लिया, दो अपोजिट साइड्स हमारे पास पैरेलल है, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हमारे पास ट्रैपेजियम. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, और इस ट्रैपेजियम के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रैपेजियम के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे. तो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग को ट्रैपेजियम का डेफिनेशन हमने लिख दिया कि ट्रैपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल जो हमारे पास साइड्स है ना, उसको हम लोग बेस ऑफ द ट्रैपेजियम बोलते हैं, और नॉन पैरेलल साइड्स को हम लोग लेग्स ऑफ द ट्रैपेजियम बोलते हैं. इट शुड बी रिमेंबर. ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं मेडियन ऑफ द ट्रैपेजियम होता क्या है. तो मेडियन ऑफ द ट्रैपेजियम का भी हमने डेफिनेशन लिख दिया है, सच दैट कि आप याद कर लो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो. मेडियन ऑफ द ट्रैपेजियम एक्चुअली होता है अलाइन पैरेलल टू द बेसिस दैट स्ट्रेच फ्रॉम वन मिड पॉइंट ऑफ द वन लेग टू द मिड पॉइंट ऑफ द अदर लेग. आई मीन टू से ध्यान रखना, लेग को हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स को बोलते हैं. तो ये नॉन पैरेलल साइड मीन इस लेग का मिड पॉइंट हमने एक्स मान लिया, और इस लेग का आई मीन टू से सीडी लेग का मिड पॉइंट हमने वाई मान लिया. इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो जो हमारे पास लाइन मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड मेडियन ऑफ द ट्रैपेजियम. और ये जो मेडियन ऑफ द ट्रैपेजियम का जो लेंथ होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि जो पैरेलल साइड का जो लेंथ हमारे पास है दोनों का एवरेज. आई मीन टू से पैरेलल साइड का लेंथ हमने ए और बी दे दिया, तो ए और बी का एवरेज आई मीन टू से अरिथमेटिक मीन आई मीन टू से कि ए प्लस बी बाई टू. तो हमने लिख दिया है कि हमारे पास मेडियन ऑफ द ट्रैपेजियम का जो लेंथ हमारे पास है ए प्लस बी बाई टू. आप एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम भी पढ़ चुके होंगे 9th-10th में, बहुत लोग 8th में भी पढ़ते हैं एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं. तो एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम हम लोग बोलते हैं 1/2 टाइम्स हमारे पास पैरेलल साइड्स का समेशन इनटू हाइट, आई मीन टू से 1/2 टाइम्स ए प्लस बी इनटू एच. ठीक है, ट्रैपेजियम में डायगोनल हमारे पास बोलते हैं कि इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जस्ट लिसन टू मी, तो ये सब छोटे छोटे से बात है, याद रखना है, रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, और मैंने इसलिए जानबूझकर सारी बातों को मैंने लिख दिया है, क्योंकि सच दैट कि कोई बोलते समय किसी बात को मैं स्किप ना कर जाऊं. और लिख मैंने बस इसलिए भी दिया है क्योंकि ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई मीन टू से बहुत ज्यादा आई मीन टू से एडवांस लेवल का बात नहीं है. ठीक है, कि सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से समझा सकूं इस पॉइंट को. ये सारी बातें 9th-10th में बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, तो मैं जस्ट एक रिविजन के फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया है. और ट्रैपेजियम को हम लोग कभी कभी ट्रैपेजॉइड भी बोलते हैं. जस्ट लिसन टू मी, ट्रैपेजॉइड और ट्रैपेजियम एक्चुअली इंडियन बुक्स में, जो हमारे इंडिया में जो सिलेबस है, उसमें ट्रैपेजियम और ट्रैपेजॉइड दोनों का मतलब सेम ही होता है. ठीक है, बट कभी कभी ना हम लोग यूएस और यूके में कुछ कुछ आप देखोगे तो यूएस में ट्रैपेजियम और ट्रैपेजॉइड दोनों को डिफरेंट फॉर्म में डिफाइन किया गया है. जस्ट लिसन टू मी, उसकी बात भी मैं बोल दूंगा कि यूएस में और यूके में ट्रैपेजियम और ट्रैपेजॉइड में डिफरेंसेस क्या है. बट इंडियन बुक्स में ट्रैपेजियम बोल लो या ट्रैपेजॉइड बोल लो, दोनों सेम ही है. तो यूएस और यूके वाले भी डेफिनेशन की बात हम लोग कर लेंगे. ठीक है, बट हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके चल देते हैं हम लोग ट्रैपेजियम के बारे में, कि हमने अभी आपके पास बता रखा है कि ट्रैपेजियम के हमारे पास टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, ट्रैपेजियम के टाइप्स के बारे में कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, तो हम लोग ट्रैपेजियम के टाइप के बारे में कुछ लिखते हैं. ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं, ट्रैपेजियम का टाइप क्या क्या होता है. चलो तो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रैपेजियम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ट्रैपेजियम का मेनली हमारे पास 3 टाइप्स होता है. एक को हम लोग बोलते हैं एसोसेलेस ट्रैपेजियम, सेकंड को स्कलेन ट्रैपेजियम, और थर्ड को राइट एंगल ट्रैपेजियम. एसोसेलेस ट्रैपेजियम के बारे में बोलते हैं कि हमारे पास जो नॉन पैरेलल साइड्स था ना, अगर उसका लेंथ इक्वल होगा ना, तो वैसे ट्रैपेजियम को हम लोग एसोसेलेस ट्रैपेजियम बोलेंगे. हमने लिख भी दिया है कि इन दिस ट्रैपेजियम लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. स्कलेन ट्रैपेजियम कहने का मतलब है कि कोई भी साइड हमारे पास सेम नहीं होना चाहिए, आई मीन टू से सारा साइड हमारे पास डिफरेंट हो और सारा एंगल्स भी हमारे पास डिफरेंट हो. जैसे हमारे पास एंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी जो ट्रैपेजियम हम लोग बोलते हैं ना, तो एंगल ए एंगल बी
एंगल सी और एंगल डी सारा डिफरेंट होना चाहिए और सारा साइड का लेंथ भी डिफरेंट होना चाहिए। तो वैसे ट्रेपेजियम को हम लोग बोलेंगे एस्केलेन ट्रेपेजियम। हमने लिख भी दिया कि इन दिस ट्रेपेजियम लेंथ ऑफ द ऑल द साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल द एंगल्स आर डिफरेंट। राइट एंगल ट्रेपेजियम में कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ पे भी लिख दिया कि इन दिस ट्रेपेजियम एटलीस्ट टू एंगल्स आर राइट एंगल। हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमारे पास है ना, तो कोई कम से कम दो एंगल जो होना चाहिए राइट एंगल होना चाहिए। तो वैसे ट्रेपेजियम को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रेपेजियम, ठीक है। और हमने अभी बता रखा था आपके पास कि ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड इंडियन राइटर इंडियन बुक्स में हम लोगों के पास ट्रेपेजियम बोल लो या ट्रेपेजॉइड बोल लो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। बट हमने बोल रखा था कि यूके और यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। जैसे आप पढ़ते हो ना हमारे पास कि यूएस और यूके में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, बट जो हमारे स्टैंडर्ड में है ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड दोनों का मतलब सेम है। तो मैं आपको लिख दिया हूं भी मैं कि यूके में अगर ट्रेपेजियम के बारे में बोला जाता है तो वही बोला जाता है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, और ट्रेपेजॉइड के बारे में यूके में बोला जाता है कि नो पैरेलल साइड्स। लेकिन ध्यान देना, यूएस में बोला जाता है ट्रेपेजियम के बारे में नो पैरेलल साइड और ट्रेपेजॉइड के बारे में वन पैरेलल साइड, मतलब यूएस और यूके दोनों डिफरेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। देख रहे हो ना किसमें बोला गया है वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यूएस में बोला गया है नो पैरेलल साइड्स। तो यहां पर दोनों डिफरेंट चल रहा है, दोनों डिफरेंट मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। बट हमारे कंट्री में आप ट्रेपेजॉइड बोल लो या फिर ट्रेपेजियम बोलो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो आइए लेकर चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे हम लोग काइट्स के बारे में और उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर इन कर जाएंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं काइट्स। चलो देखो बच्चों, काइट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 9th में काइट के बारे में भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले रखा होगा, बट जस्ट एक रिवीजन के फॉर्म में हम लोग बात कर लेते हैं। काइट के बारे में पढ़ते हैं ना कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हमारे पास इक्वल लेंथ का होना चाहिए। हमने ले लिया ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल या फिर ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल। ध्यान देना, ये दो साइड का लेंथ इक्वल हो, ये दो साइड का लेंथ इक्वल हो सकता है काइट में, ठीक है। और काइट में डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, ये सभी लोगों को पता है, और एटलीस्ट वन जो डायगोनल होता है ना, लिख चुका हूं मैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बट एटलीस्ट वन डायगोनल बाइसेक्ट द फिगर इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। काइट का जो एरिया होता है 1/2 टाइम्स द डायगोनल का हमारे पास प्रोडक्ट होता है। तो डायगोनल हमने ले लिया d1 ले लिया d2, आई मीन टू से एरिया ऑफ द काइट इक्वल टू 1/2 टाइम्स d1 इनटू d2 बोल लो, या फिर हमारे पास नेम के फॉर्म में बोल दो 1/2 टाइम्स हमारे पास ac इनटू bd बोल लो, जो हमने लिख रखा है आपके पास, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं काइट से रिलेटेड, और इसके पहले ट्रेपेजियम जो पढ़ रखे थे, आई मीन टू से क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, बट क्वाड्रिलेटरल में हमने बता रखा था एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, आई मीन टू से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक बात ध्यान देना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत सारा डेफिनेशन है, बट हम लोगों को उस डेफिनेशन को फॉलो करना है जिसमें बस सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हो। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने आपके पास कुछ इस तरीके का बोल दिया, ध्यान देना। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया ABCD, ठीक है, और ये AC डायगोनल हो गया, BD डायगोनल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD दैट इज इक्वल टू AC इंटू BD। ध्यान देना, वैसे तो मैं बता दूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान देना मेरी बात को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत सारा डेफिनेशन है। तो जैसे हम लोग सर्कल में इन करेंगे ना, तो सर्कल में भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, बट हम लोग अभी डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बात करते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग तभी बोलेंगे जब अपोजिट साइड्स का जो प्रोडक्ट होगा, ध्यान देना मेरी बात को, अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होगा, हमारे पास AB इंटू CD प्लस हमारे पास बोल सकते हैं BC इंटू AD दैट इज इक्वल टू डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब कि हमारे पास बोल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में कि द प्रोडक्ट ऑफ आई मीन टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आई मीन टू से प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल कहने का सेंस क्या है कि AC इंटू BD। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को लेकर अगर इस पे क्वेश्चन बनाना हो तो किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैं इस तरीके से राइज कर सकता हूँ। सपोज करो हमने 4 वर्टिसेस ले दिया,
चारों का कोऑर्डिनेट दे दिया और बोल दिया प्रूफ करो कि जो हमारे पास चारों वर्टिसेस के हेल्प से जो क्लोज फिगर बन रहा है ना वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो बड़े आराम से सारे का डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से, और सारे का डिस्टेंस निकाल के पुट कर दो इस फॉर्मूले में, देख लो LSS इक्वल टू RHS आ रहा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दे सकता है आपके पास कि हमारे पास ये एक इक्वेशन तो हमारे पास है ही, तो एक इक्वेशन है तो एक पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन तो जा ही सकता है। कि एक पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ए का वर्टिसेस दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया और डी में एक्स कोऑर्डिनेट देकर वाई कोऑर्डिनेट को हमने वेरिएबल कर दिया, या फिर y कोऑर्डिनेट देकर करके हमने x कोऑर्डिनेट को वेरिएबल कर दिया, मतलब एक पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास जा सकता है। तो पता लगा उस पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा, सच कि ABCD हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उस पैरामीटर का वैल्यू हम लोग यहां पे सारे डेटा को वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो पैरामीटर का वैल्यू निकल जाएगा। मैं जो बोला चाहो समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? तो आइए इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन लिख लो, जो छोटा सा क्वेश्चन हमने बता रखा है वर्बली उसको मैथमेटिकली मैं लिखा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, कुछ वैसा है नहीं, लिख लो क्वेश्चन इसको होमवर्क। देखो बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है पॉइंट्स पी क्यू आर ए सारे का कोऑर्डिनेट दे दिया है, फॉर्म चारों ऑप्शन दे दिया है पैरेललोग्राम रोम्बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नन ऑफ दिस। तो बड़े आराम से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए ऑप्शन को तो पिक कर सकते ही है, तो हमने आंसर भी दे दिया आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, आप लोग कर लीजिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने कॉन्सेप्ट तो बता ही रखा है आप लोगों के पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने दिया है कि वन साइड ऑफ ए रोम्बस हैज द एंड पॉइंट, हमारे पास दिया गया 4, 5 एंड 1, 1, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रोम्बस के बारे में बात कर रहा है। एरिया ऑफ द रोम्बस आपके पास पता ही होगा, हमने बता भी रखा है आपके पास है कि नहीं, क्लियर है ना? तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो, मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है, ध्यान देना एरिया की बात नहीं कर रहा है। तो एक बात तो मैं आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने पढ़ा रखा है कि जिस भी टर्म को ऑप्टिमाइज करना है ना पहले उस टर्म का वैल्यू निकालो आप। आई मीन टू से कि यहां पर हमारे पास एरिया को ऑप्टिमाइज करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है, तो पहले एरिया की बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, इसे तो होमवर्क पर रख लो, काफी आसान क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ ना तो ध्यान देना सारे लोग, हमने एक रोम्बस ले लिया, ठीक है, रोम्बस ए बी सी एंड डी। अब वन साइड ऑफ अ रोम्बस हैज द एंड पॉइंट, चलो वन साइड हमने ले लिया एंड पॉइंट, हमने 4, 5 ले लिया ये और ये ले लिया 1, 1। आपके पास पता है ना कि रोम्बस का सारे का साइड का लेंथ इक्वल होगा, तो हमने साइड का लेंथ मान लिया ए, तो ये भी ए, ए भी ए, ये भी ए। एरिया ऑफ द रोम्बस के बारे में बताओ, तो एरिया हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 1/2 टाइम्स, याद है? अगर इसको मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको, लिसन टू मी, दो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको मैं डिवाइड कर दूं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखो हमने क्या बोला कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल, आई मीन टू से दो ट्रायंगल के एरिया, दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दूं, जैसे हमने आपके पास ट्रायंगल ए बी डी कर लिया और ट्रायंगल बी सी डी कर लिया, तो इतना तो पक्का है कि सर एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास पूरे रोम्बस का एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं? तो आप बता सकते हो कि 1/2 टाइम्स मैं बोलूं या एरिया ऑफ द रोम्बस के बारे में बोलता हूं, 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की बात कर लेता हूं, इसका मतलब 2 × एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी बोले तो 1/2 × ये बेस हमारे पास कितना है ए, तो ए और इनटू मैं बोल सकता हूं कि ए साइन थीटा, क्यों मैं मान लेता हूं दोनों का बीच का एंगल हमारे पास थीटा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हमारे पास है, पढ़ चुके ये भी है फॉर्मूला हम लोग, ठीक है ना? तो आप बताओ तुम्हारे पास कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर का वैल्यू आप बता सकते हैं, तो आप बताओ दोनों का बीच का लेंथ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, 4 − 1 का स्क्वायर प्लस 5 − 1 का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर उठ गया, तो ये 3 का स्क्वायर बोले तो 9 + 16 का स्क्वायर बोले तो हमारे पास कितना आ गया 5। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर इक्वल टू 25 साइन थीटा हो गया, तो एरिया का वैल्यू 25 साइन थीटा हो गया और एरिया का वैल्यू मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो एरिया का मैक्सिमम कहने का मतलब है ये पूरे का वैल्यू मैक्सिमम करना पड़ेगा, 25 तो कांस्टेंट है इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा आपके पास पता है ना 1 होता है, देयरफॉर एरिया मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि एरिया मैक्सिमम जो हो जाएगा इक्वल टू 25 कब, जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेंगे कितना 1, तो 25 स्क्वायर,
यूनिट्स। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है किसी को? एनीवे ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। अब देखो तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, थर्ड क्वेश्चन ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया से समझना थर्ड क्वेश्चन को। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया ना, नंबर ऑफ पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्मड बाय सिक्स पॉइंट्स इन डिफरेंट लोकेशन इन एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्स वाई प्लेन में मेरे पास सिक्स पॉइंट्स दिए गए, तो मेरे को नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता करना है कि मैक्सिमम मे बी हमारे पास बोला गया ना कितना हो सकता है। तो एक बात तो पक्का है, थोड़ा सा इसमें देखो ऑब्जर्वेशन से अगर लेके चलोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारे पास छह पॉइंट लेना है, मेरे को सिक्स पॉइंट ही दिए हुए हैं ना, हाँ सिक्स पॉइंट लेना है। तो एक्स और वाई आपने एक्सेस प्लॉट किया और सिक्स पॉइंट को आपने इंडिकेट किया, तो मेरे को चार पॉइंट को लेकर ही क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इतनी बात तो पक्की है। तो चार चार का पेयर लेके चलेंगे तो ऑब्जर्वेशन के तहत आई मीन बारी बारी से लेकर चलेंगे तो बहुत ज्यादा बनने का चांस है, तो उसको कॉन्फिडेंट उस पे होना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। एक छोटा सा टॉपिक है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास कितने बनेंगे अगर एक्स वाई प्लेन में मेरे पास एन पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे जब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एन दिए हुए हैं। तो एक बात ध्यान देना कि ट्रायंगल के लिए मेरे को थ्री पॉइंट चाहिए और तीनों पॉइंट नन कॉलिनियर चाहिए। नन कॉलिनियर कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर हुआ तो ट्रायंगल हमारे पास जीरो हो जाएगा, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर जाएगा तो ट्रायंगल बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर तीन पॉइंट से लेकर, अगर तीनों पॉइंट हमारे पास ध्यान रख रहे हो, तीनों पॉइंट नन कॉलिनियर है तो तीन पॉइंट से लेकर हमारे पास एक यूनिक ट्रायंगल बनेगा। तो बोलना ये चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर एन पॉइंट्स दिए हुए हैं तो एन पॉइंट से लेकर अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा एनसीआर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आई मीन टू से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, आई मीन टू से नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम दैट इज इक्वल टू एनसीआर। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना इसको लर्न कर लो कि मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास n नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, n नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, n में से अगर मेरे को मैं बोल दिया मैं कि बताओ वहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे जब हमारे पास n नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स x y प्लेन में दिए हुए हैं, तो ट्रायंगल बनाने के लिए मेरे पास थ्री पॉइंट चाहिए तो n में से थ्री को सिलेक्ट कर लेंगे, आई मीन टू से NC3। उसी तरीके से हमारे पास फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के हेल्प से ही क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो n में से हमारे पास n पॉइंट्स दिए हुए हैं x y प्लेन में और उसमें से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो मैं बोलूंगा NC4 होगा। उसका वैल्यू निकालने का तरीका होता है मैं वो भी बता दूंगा। मतलब सीधी सीधी बात है यार कि हमारे पास के जितने पॉइंट्स आप दोगे ना उसमें से अगर क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो सपोज करो कि हमारे पास 10 पॉइंट दे दिए, 10 में से हमारे पास कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मेरे को 4 पॉइंट चाहिए तो 10C4 कर देंगे। उसी तरीके से हमारे पास 6 पॉइंट दिए हुए हैं, 6 पॉइंट्स में से मेरे को टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो बस पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए वो सारा पॉइंट्स हमारे पास डिफरेंट लोकेशन में होना चाहिए। डिफरेंट लोकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि सारा नॉन कॉलिनियर होना चाहिए, मेरी बात को ध्यान देना, नॉन कॉलिनियर होगा तभी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा। डिफरेंट लोकेशन में तो हमारे पास कॉलिनियर भी जा सकता है, ये दे दिया पॉइंट, ये दे दिया, दोनों का लोकेशन तो डिफरेंट है ही है, तो क्या दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या एक लाइन प्लाई नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो डिफरेंट लोकेशन का कहने का मतलब ये नहीं है कि नॉन कॉलिनियर होगा। हाँ इतनी बात पक्की है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए चार पॉइंट को मेरे को रिक्वायरमेंट है और वो चारों पॉइंट नॉन कॉलिनियर होना चाहिए। तो मेरे पास 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर हम लोग बात करेंगे quadrilaterals that is equal to 6 दिया हुआ है, quadrilateral के लिए 4 पॉइंट चाहिए तो मैं बोलूंगा 6 से 4। और इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा जो 12th में पढ़ते हैं, factorial 6 by factorial 4 into factorial 6 minus 4। तो हमारे पास factorial 6 by factorial 4 into factorial 2 सॉल्व करने का तरीका, इसको बोल सकते हैं factorial 4 into 5 into 6, ये factorial 4 हो गया, factorial 2 का वैल्यू 1 into 2, 4 से factorial 4 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3, बोले तो हमारे पास 15। इसका मतलब ये हुआ ना, एक बार समझना कि हमारे पास 6 पॉइंट्स अगर नॉन कॉलिनियर हुआ, मेरी बात को ध्यान देना,
नॉन कॉलिनियर हुआ तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमारे पास 15 ही बनेगा। लेकिन अगर वो 6 पॉइंट्स कॉलिनियर हो गया, कॉलिनियर कहने का मतलब वो डिफरेंट लोकेशन में कॉलिनियरिटी भी तो जा सकता है हमारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 6 को मिला हुआ तुम्हारे पास कॉलिनियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कॉलिनियर हुआ तो वहां पर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर सारा पॉइंट कॉलिनियर हुआ इवन देन कि वो डिफरेंट लोकेशन में है तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम तो 15 बनेगा ही बनेगा, तो मैक्सिमम 15 बनेगा तो हमारे पास 12 भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है और 0 भी जा सकता है। आई मीन टू से हमारे पास इसमें चारों ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे थोड़ा सा आईक्यू लेवल है, यहां पर मैं आपके पास फिर बता दे रहा हूं कि यहां पर जो फॉर्मूला यूज किया हमने एनसीआर का फॉर्मूला यूज किया, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? तो आइए हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन फॉर्मूला, उसको लेकर चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग टेंथ में भी सेक्शन फॉर्मूला को पढ़े होंगे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला को भी पढ़े होंगे। और सेक्शन फॉर्मूला तो बहुत इजी है, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को आइए लेकर चलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। यदि आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे, आई होप सो 10th में लगभग मैक्सिमम लोग पढ़े होंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। क्या पढ़े हैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये प्रूफिंग आप लोग 10th में पढ़ रखे हैं और प्रूफिंग में कोई दम नहीं है। इनफैक्ट प्रूफिंग आईआईटी को कोई लेना देना नहीं है प्रूफिंग से। तो फॉर्मूला ये है कि हमारे पास एक पॉइंट हमने पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया, सेकंड पॉइंट हमने q लिया जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 लिया, और p और q को मिलाते हुए जो हमने लाइन लिया इस लाइन को एक थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट r इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड करता है जिसका कोऑर्डिनेट x और y हमने मान लिया। तो इसी x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड mn n के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं तो आपको पता ही होगा, x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। सिमिलरली y इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। कुछ ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग, पढ़े होंगे 10th में बच्चों। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग यूज तभी करेंगे जब हमारे पास r जो है ना लाइन ज्वाइनिंग PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m:n में। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया कि ये P हमने ले लिया इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये हमने ले लिया Q जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2, लाइन ज्वाइनिंग PQ को एक थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट R एक्सटर्नली उसी रेशियो में डिवाइड करता है। एक्सटर्नली उसी रेशियो में मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, रेशियो हमारे पास क्या था, PR बाई RQ, तो PR हमारे पास यहां से हो जाएगा बाई QR इक्वल टू m:n लिया। तो मैंने x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग करते क्या है कि जो हमने प्लस लिखा है ना बस उसको सिर्फ माइनस में कर दो। आई मीन टू से कि हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाई m माइनस n और y इक्वल टू m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाई m माइनस n। बोलना ये चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जब डिवीजन हमारे पास एक्सटर्नल, ये फॉर्मूला हमारे पास लगेगा तभी जब डिवीजन हमारे पास इंटरनल। जस्ट लिसन टू मी, तो लगेगा कैसे, आई मीन टू से क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो मैं ना इसको एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में ही बता दे रहा हूं। बढ़िया से समझना, क्वेश्चन के फॉर्म में कहने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिया जिसमें ध्यान देना दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है, और क्वेश्चन में भी बोला गया एक लाइन ज्वाइनिंग PQ को ना एक थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट r जो इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड करता है, तो बता लगा उस थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट r का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपली वी विल से दैट x इक्वल टू mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अगर डिवीजन हमारे पास इंटरनल बोला तो फटाफट ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर डिवीजन हमारे पास एक्सटर्नल बोलता है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बट ध्यान देना अगर इसको फॉर्मूले को प्रॉब्लम में यूज करना चाहूंगा तो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। एक तो पहला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास यही हुआ हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग PQ को थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट r जो m:n इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो पता लगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक पहला क्वेश्चन। बढ़िया समझना, हमने r पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ दिया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि r पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दो और रेशियो को मैं पूछ दूं निकालने के लिए। आई मीन टू से कि अगर मैं बोलूं कि द लाइन ज्वाइनिंग PQ, just listen to me, if the line joining PQ is divided by the R,
जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो पता लगाओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मतलब क्वेश्चन का टाइप हमारे पास दो यहां पे हो सकता है, या तो आप ऐसा करो कि रेशियो देकर के कोऑर्डिनेट पूछ दो, या फिर कोऑर्डिनेट देकर के रेशियो पूछ दो। तो रेशियो पूछ देगा तो रेशियो को इन जनरल हम लोग एम इज टू एन मान लेंगे, मतलब दो वेरिएबल हमारे पास है एम और एन, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन हमारे पास है, एक इक्वेशन यहां से एक इक्वेशन यहां से निकल जाएगा। और वैसे भी तुम बोलोगे सर यहां पर दो इक्वेशन की जरूरत नहीं है, अगर एम इज टू एन रेशियो मानेंगे ना तो एम इज टू एन का वैल्यू यहां से भी निकल सकता है या फिर यहां से भी निकल सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, जो हमारे पास कैलकुलेशन जिससे फास्ट हो हमारे पास, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि रेशियो जब भी निकालना होगा तो रेशियो को हम लोग मानते हैं लैम्डा इज टू वन, और आसान होगा, लिटरली आसान होगा, लैम्डा इज टू वन रेशियो मान लेंगे और लैम्डा का वैल्यू आप या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो, क्योंकि आपने एक ही वेरिएबल मान रखा है लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए ये काफी है या फिर ये काफी है, दोनों में से किसी एक से लैम्डा का वैल्यू निकाल लो। सपोज करो कि लैम्डा का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/4, तो लैम्डा इज टू वन बोले तो क्या 3:4। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं सब लोग, क्लियर है ना। तो जो हमने बोला आपके पास कि यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस फॉर्मूले से, दो दो क्वेश्चन कैसा बनेगा, हो सकता है हमारे पास, ध्यान देना मेरी बात को, इस पॉइंट के सहारे रेशियो का वैल्यू पूछ दे या फिर इस रेशियो के सहारे कोऑर्डिनेट पूछ दे, ध्यान देना। और वही दो क्वेश्चन हमारे पास एक्सटर्नल डिविजन में भी बन सकता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन मजेदार क्वेश्चन वो होगा, बढ़िया समझना, कि जहां पे अच्छे से ध्यान दो इस क्वेश्चन को, मजेदार क्वेश्चन वो होगा जहां पे हमारे पास R लाइन ज्वाइनिंग PQ को डिवाइड तो कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट किसका, R का, लेकिन इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। मेरी बात को अच्छे से समझना सारे लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो रेशियो वाला क्वेश्चन बना, अगर आप इंटरनल डिविजन में दोगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर आप डिविजन एक्सटर्नल दोगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डिवीजन को मैं मेंशन करूं ही ना, आई मीन तो से क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दूं कि पी का कोऑर्डिनेट दे दूं, क्यू का कोऑर्डिनेट दे दूं, और मैंने बोल दिया कि आर जो है लाइन ज्वाइनिंग पीक्यू को डिवाइड कर रहा है, जस्ट लिसन टू मी, डिवाइड कर रहा है, तो पता लगा वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बस सिंपली डिवाइड कर रहा है, ध्यान दे रहे हैं, क्लियर है ना। तो और इसमें लेकर चलते हैं, एक बात समझना कि रेशियो जब मेंशन किया हुआ नहीं होगा क्वेश्चन में ना, तो आप मान के चलेंगे कि डिवीजन इंटरनल है, बोलोगे ऐसा कोई कन्वेंशन है, कोई कन्वेंशन नहीं है, बट इंटरनल थोड़ा अच्छा लगते हैं, लगता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, ठीक है। तो आप डिवीजन इंटरनल मानकर चलेंगे और इंटरनल डिवीजन से रेशियो का आप वैल्यू निकाल लेंगे। अगर रेशियो हमने मान लिया लैम्डा इज टू वन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, मैं फिर बोल रहा हूं जब रेशियो मेंशन नहीं है तो हम लोग मानकर चलेंगे डिवीजन इंटरनल है, अपने तरीके से सपोजिशन है, आई मीन एजम्पशन है, आप एक्सटर्नल भी मान के चल सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ डिवीजन को इंटरनल मान लेना और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना, और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हुए अगर रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो हम लोग लिख देंगे आवर सपोजिशन इज ट्रू, और रेशियो का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आपको पता है कि रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता है, रेशियो का वैल्यू नेगेटिव इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो आपने डिवीजन ले रखा है वो डिवीजन नहीं होगा, उसका जस्ट रिवर्स होगा, आई मीन टू रिवर्स होगा, आई मीन टू से कि आपने इंटरनल मान रखा था तो डिवीजन होगा एक्सटर्नल। तो वहां पे एक बात समझना कि जैसे सपोज करो कि लैम्डा इज टू वन आ गया -2/3, तो रेशियो हम लोग 2/3 लेंगे, 2:3 लेंगे, वहां पे बस ये लिख देंगे हम लोग कि हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डिवीजन विल बी एक्सटर्नल, राइट ना। आइए लेके चलते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, पहले 9th-10th वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 11th वाले क्वेश्चन में इन करेंगे, बट फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं एक बात, इफ द डिविजन इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन लेट द डिविजन इज इंटरनल, और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हुए रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं फिर लिख देता हूं कि अगर m by n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया देन हम लोगों ने जो मान कर रखा था वो सही है, डिवीजन इज इंटरनल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास m by n का वैल्यू लेस देन 0 आ गया देन डिवीजन इज एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों। और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यहाँ पे।
ध्यान देना सारे लोग। देखो बच्चों, बिल्कुल टेंथ में ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। क्वेश्चन ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 माइनस 5 और -6 -4, 6। फर्स्ट में बोला गया इंटरनली रेशियो दिया हुआ है और एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन करने का सेंस है क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट हमने बता रखा है। सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो तो एक तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इंटरनल डिवीजन से होगा, तो इंटरनल डिवीजन से हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो सेम क्वेश्चन एक्सटर्नल डिवीजन से भी बनेगा। इंटरनल डिवीजन से क्वेश्चन करने का मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट के सहारे हमारे पास रेशियो का वैल्यू पूछ दे, या फिर रेशियो के सहारे हमारे पास पॉइंट का वैल्यू पूछ दे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डिवीजन मेंशन ना हो, वो लास्ट क्वेश्चन वो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो डिवीजन मेंशन नहीं होगा तो हमने मान के चलना है कि डिवीजन एक्सटर्नल है और उसके तरीके से हमारे पास रेशियो का वैल्यू निकाल करके हम लोग को फाइनल आंसर देना है। कैसे आंसर देना मैंने वो भी बता रखा है, बट उसको बस एक एग्जांपल के तौर पे मेरे को डिस्कस कर देना है। जस्ट लिसन टू मी, समझ लो। ये क्वेश्चन में तो कोई दम है नहीं, सब लोग बना सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं तो मैं तो ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया। पी का कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने 3, -5 और क्यू का कोऑर्डिनेट -4, 6, ठीक है। और बोला गया है हमारे पास कि लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू को ना एक थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट मैंने मान लिया आर, जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1, तो 2:3। इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स वाई, तो एक्स और वाई का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इंटरनल बोला गया तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओ, तो सिंस एक्स इक्वल टू 2 बोलेंगे -4 + 3 बोलेंगे 3 / 2 + 3। उसी तरीके से वाई का वैल्यू निकालेंगे 2 × 6 + 3 × ये इसका वाई कोऑर्डिनेट -5/2 + 3। कैलकुलेट कर लो, ये हो गया -8 और ये +9/5 बोले तो 1/5 और ये हम लोग बोलेंगे 12 -15/5 बोले तो हमारे पास -3/5। देयरफॉर एक्स वाई जो हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट टू 1/5 और -3/5। ध्यान देना ये हमारे पास इंटरनल हुआ, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल पे इसको हम लोग करना चाहेंगे, सेकंड क्वेश्चन को करना चाहेंगे, फिर से मैं इसको करता हूं सेकंड क्वेश्चन का, तो इसी मेथड से हम लोग करते हैं। ध्यान दो सारे लोग, ध्यान दो सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हमारे पास P मान लिया, ये Q, P का कोऑर्डिनेट 3 और -5, Q का कोऑर्डिनेट -4 और 6, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग PQ को हमारे पास बोला गया है जो हमने थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट मानना है R, जिसका कोऑर्डिनेट x और y, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 4:3। 4:3 कहने का मतलब ये हुआ कि PR/QR = 4/3। देखो एक्सटर्नल डिवीजन का ना फॉर्मूला लगाने में बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए ही बस एक छोटा सा स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। वो एक रफ वर्क होगा। रफ वर्क क्या होगा कि आपको करना क्या है ना कि x और y को मान लो कहीं पे बीच में, कहीं पे भी लाइन ज्वाइनिंग PQ को कहीं R x y और रेशियो 4:3 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू तो 4 × -4। अब यहां पे डिवीजन एक्सटर्नल हम लोग को ध्यान में रखना है, तो डिवीजन एक्सटर्नल के लिए माइनस साइन होगा, तो 3 × हम लोग बोलेंगे -5। बढ़िया से समझना, गलत मैंने किया, फिर से समझो। हमने x और y निकालना है, x इक्वल टू डिवीजन एक्सटर्नल लगाना है बट इंटरनल के तरीके से लगाना है, हम लोग बोलेंगे 4 × -4 और हमारे पास एक्सटर्नल है तो माइनस साइन देंगे, फिर 3 × 3 / 4 - 3। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट 4 × 6 - 3 × -5 / 4 - 3 और इसको इरेज कर देंगे, ये x y था। हमने कैसे लगाया सबको समझ में आया, तो क्वेश्चन में बनाने में थोड़ा आसानी होगी, गलती करने का चांस कम होगा। तो आप बताओ यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना कि -16 और ये -9 तो हो गया हमारे पास -25/1 बोले तो -25, ठीक है। यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा हमारे पास +15/1
इसका मतलब ये हो गया कि 5 प्लस 4 हो गया आपके पास 9 और 3 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 1 हो गया 3 बाई हमारे पास 1। इसका मतलब कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस 25 और ये 39। समझ रहे हैं सब लोग ना, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर देंगे। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग करते हैं। जो हमने बता रखा था याद करो कि जब डिवीजन मेंशन ना हो तो डिवीजन हम लोग इंटरनल लेकर चलेंगे, उसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी माइनस 2, 3 एंड क्यू 4, 7 इज डिवाइडेड बाई द लाइन 2x + y = 7 इन ए फिक्स्ड रेशियो, देन फाइंड रेशियो। ध्यान देना सारे लोग, वही क्वेश्चन हमने दे दिया आपके पास कि लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू, अच्छे से समझना, ये हमने P ले लिया, ये हमने Q ले लिया। P का कोऑर्डिनेट -2, 3, Q का कोऑर्डिनेट 4 और 7 दिया हुआ है। लाइन ज्वाइनिंग PQ को ना एक पर्टिकुलर लाइन 2x + y = 7 डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है इंटरनली 2x + y - 7 = 0, कितना पे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब रेशियो निकालना होता है तो मैंने बता भी रखा है कि रेशियो को जब भी निकालना हो तो मान लो λ = 1, ठीक है, ये हमने पॉइंट को r मान लिया। ध्यान देना मेरे पास डिवीजन मेंशन नहीं है, डिवीजन मेंशन नहीं है तो हमने क्या बता रखा है कि डिवीजन इंटरनल मान के चलो और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओ और वहां से रेशियो का वैल्यू निकालो। तो चलो आप पहले उतना काम कर लेते हैं, r का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए r का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y, और x और y का वैल्यू निकालने के लिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिंस x = बोलेंगे ना λ × 4, 4λ, 1 × -2, तो -2 / λ + 1, उसी तरीके से y का वैल्यू लेकर चलेंगे ना λ × 7, बोले तो 7λ, और +1 × 3, मतलब बोलेंगे 3 / λ + 1। अब ये x y जो हमारे पास निकल गया, ये मैं बोल सकता हूँ कि r का जो कोऑर्डिनेट x और y है इस लाइन पे लाई करेगा, तो पक्की बात है कि जो r जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे लिखते हैं कि सिंस r बोले तो एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन 2x + y - 7 = 0, देयरफॉर 2 × x का बदले ये पुट कर सकते हो 4λ - 2 / λ + 1, प्लस y के बदले 7λ + 3 / λ + 1 और -7 = 0। लेमडा प्लस वन एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8λ - 4 और प्लस ये हो जाएगा 7λ + 3 - 7λ - 7 = 0। तो आओ ध्यान देना सारे लोग, समझो सिंप्लीफाई करते हैं, 8λ + 7λ हो गया 15λ, 15λ, या मैं ऐसा बोलता हूँ 7λ - 7λ+ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 8λ - 4 + 3 - 1 और -7 - 8, तो -8 / λ + 1 = 0। तो यहां से λ - 1 = 0 कर सकते हैं, 8 कॉमन करके कैंसिल कर दो, λ + 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो λ = 1। λ = 1 करने का मतलब क्या होगा हमारे पास कि वो जो हमारे पास रेशियो हुआ λ = 1 = 1, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया ना, क्या वो दोनों का मिड पॉइंट ही होगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लैम्डा वैल्यू तो मेरे पास पॉजिटिव आया, लैम्डा वैल्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब है कि जो डिवीजन हमने मान के रखा है वो डिवीजन हमारे पास सही है। इज इट क्लियर नॉट, टेल मी ना, राइट है ना। अगर लैम्डा का वैल्यू निगेटिव आता तो हम लोग बोलते कि लैम्डा का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव ही आंसर देते, लेकिन वहां पे ये बोलते कि नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करेगा कि डिवीजन हमारे पास एक्सटर्नल है, ठीक है। आइए लेके चलते इस पे एक और डिफरेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझो मेरी बात को। क्वेश्चन जैसे है हम लोगों के पास, ध्यान दो सारे लोग,
देखो बच्चों क्वेश्चन हमने कह दिया ना कि इफ पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा 4 माइनस अल्फा डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए माइनस टू कॉमा माइनस थ्री एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 13 इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। तो हमारे पास फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बोला गया और फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बोला गया। मेरी बात को अच्छे से समझना, ध्यान देना सारे लोग। डिवाइड कर रहा है, रेशियो मेरे पास दिया हुआ नहीं, आई मीन टू से इंटरनल और एक्सटर्नल मेरे पास बोला नहीं गया है। समझ में आ रहा है? ध्यान दे रहे हैं सब लोग? तो क्वेश्चन में ये बोला गया ना फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। यहाँ पर देखो यहाँ पर डिवीजन मेंशन नहीं है, डिवीजन इंटरनल होगा या डिवीजन एक्सटर्नल होगा। और मजेदार क्वेश्चन वही होगा जहां पर डिवीजन मेंशन किया होना हो कि इंटरनल या एक्सटर्नल। तो हम लोग मान के चलते हैं डिवीजन इंटरनल, ठीक है, और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब आओ क्वेश्चन को अगर हम लोग करते हैं, समझो सारे लोग कि हमने ये ए ले लिया और ये हमने बी ले लिया। ए का कोऑर्डिनेट माइनस टू माइनस थ्री और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 और 13 दिया हुआ है। लाइन ज्वाइनिंग ए बी को एक पी पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा और 4 माइनस अल्फा डिवाइड कर रहा है। ध्यान देना कोऑर्डिनेट क्या है, आई मीन टू द रेशियो क्या है, लैम्डा इज टू 1। मैं फिर बोल रहा हूँ डिवीजन मेरे पास मेंशन नहीं है, मैंने डिवीजन को मान के रखा है इंटरनल, ठीक है, और इंटरनल डिवीजन मान के रखा है तो हमारे पास लैम्डा और अल्फा में मेरे पास इक्वेशन आएगा। मेरी बात को अच्छे से समझना। तो आप बताओ कैसे क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंस अल्फा इक्वल टू बोलेंगे ना 6 into λ प्लस 1 into -2, ठीक है ना, बाई लैम्डा प्लस 1। आई मीन टू से यहां से मैं बोलूंगा कि अल्फा इक्वल टू आ गया 6λ - 2 बाई लैम्डा प्लस 1 फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से 4 - α इक्वल टू क्या मैं बात करूंगा, देखो अच्छा से। तो 4 - α इक्वल टू लैम्डा इंटू 13 बोले तो 13λ और प्लस 1 into -3 बोले तो -3 बाई हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग की बोल दें कि 4 - α इक्वल टू 13λ - 3 बाई लैम्डा प्लस 1 ये सेकेंड। अब बड़े आराम से इस दोनों इक्वेशन से हम लोग अल्फा और लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है अल्फा इक्वल टू 6λ - 2 बाई लैम्डा प्लस 1 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4 - α इक्वल टू 13λ - 3 बाई लैम्डा प्लस 1 सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान सा मेथड हम लोग यूज करते हैं कि अल्फा का वैल्यू ये पूरा यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 4 - 6λ - 2 बाई लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13λ - 3 बाई लैम्डा प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। तो कैलकुलेशन 4λ + 4 - 6λ + 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 13λ - 3 बाई लैम्डा प्लस 1। λ + 1 कैंसिल करेंगे लेकिन लास्ट में ये भी लिखेंगे कि λ + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, आई मीन लैम्डा का वैल्यू जो हमारे पास होगा नॉट इक्वल टू -1। क्योंकि लैम्डा का वैल्यू अगर -1 होगा तो हमारे पास अनडिफाइंड कर देगा मैथमेटिकली। तो आप बताओ यहां से हमारे पास कितना आ गया, देखो तो 4λ - 6λ - 2λ + 6 दैट इज इक्वल टू 13λ - 3। 2λ को इस साइड ले जाओ तो हो जाएगा हमारे पास 15λ, 3 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9। तो लैम्डा का वैल्यू इस तरीके से 9 बाई 15 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना 3/5। तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास 3/5 आ गया। अब लैम्डा का वैल्यू 3/5 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वहां से अल्फा का वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट लैम्डा इक्वल टू 3/5। तो चलो बताओ अल्फा इक्वल टू 6λ - 2 बाई लैम्डा प्लस 1। तो अल्फा इक्वल टू बताओ 6 into 3/5 - 2 बाई 3/5 + 1। तो यहां से हम लोग बोल देंगे 18/5 - 2 बाई 3/5 + 1। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 एलसीएम यहाँ पे भी ले लो, 5 एलसीएम नीचे भी ले लो, तो एलसीएम वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के बाद हो जाएगा 18 - 10 और इसके बाद हमारे पास नीचे जो हो जाएगा 3 + 5 18 - 10 बोले तो 8 बाई हमारे पास कितना आ गया
8 बोले तो 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि यहां पे पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन हमने दे दिया। ध्यान देना, दो इक्वेशन तो हमारे पास वैसे भी है सेक्शन फॉर्मूला में, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, तो दो वेरिएबल का वैल्यू तो बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। और इसमें मजेदार क्वेश्चन, ध्यान देना, अगर पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन में ही अगर मजेदार क्वेश्चन थोड़ा सा इनइक्वालिटी रिलेशन पे क्वेश्चन सेट करना चाहते हो, तो आपको ये बोल देना चाहिए था कि लाइन ज्वाइनिंग PQ को जो थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट R जो है, जिसका कोऑर्डिनेट वेरिएबल दे दिया गया है, वो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सच दैट कि हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग PQ का जो लाइन ज्वाइनिंग PQ को जो डिवाइड करने वाला जो कोऑर्डिनेट, आई मीन डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से लेस बोल दिया गया या किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से ग्रेटर बोल दिया गया। मतलब अगर वहां पे इनइक्वालिटी रिलेशन लाओगे तो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन इस सेंस में बनेगा कि साइनस की वहां पे पार्टिसिपेट करेगा, है कि नहीं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जिसका आई मीन आर का कोऑर्डिनेट जो आप देते हो उसमें पैरामीटर आप अल्जेब्रिक पैरामीटर लगाते हो तो अल्जेब्रिक इनइक्वालिटी आई मीन टू से साइन स्कीम ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर लगाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल पैरामीटर लगाओगे तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ेगा। लॉगरिथमिक पैरामीटर लगाओगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ेगा। मतलब मेनली बोलना ये चाह रहा हूं कि सेक्शन फॉर्मूला में थोड़ा सा जो मजेदार क्वेश्चन होगा कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में वो इनइक्वालिटी से रिलेट कर दो आपके पास सेक्शन फॉर्मूले को, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आइए करते हैं इसी पे बेस्ट। देखो बच्चों, मैंने डेटा ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही ले रखा है, जो डेटा ले रखा है उसी डेटा को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। मतलब इन द प्रीवियस क्वेश्चन में ही बात कर ले रहा हूं मैं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट लिसन टू मी, प्रीवियस क्वेश्चन का मैंने डेटा को भी लिख दिया है कि इफ पी अल्फा फोर अल्फा फोर माइनस अल्फा डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। अब हमने यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा और लैम्डा के बारे में बात नहीं किया, हमने बात कह दिया कि बताओ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होगा अगर अल्फा वैल्यू लेस देन हमने 8 दे दिया, अगर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा क्या होगा अगर लैम्डा वैल्यू मैंने ग्रेटर देन -1/2 दे दिया। यहां पर इस दोनों को देने का मतलब बस यही है कि मैं आपसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करवाना चाह रहा हूं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट इसके पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी के सेंस में। तो आप बताओ यहां पे सेक्शन फार्मूला लगाओ और उस तरीके से आप पेन को आगे बढ़ाओ, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ। आपके पास बोल दिया गया है ए का कोऑर्डिनेट -2 -3 और ये बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 13, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, हमारे पास पी ले लिया हमने अल्फा 4 - अल्फा, रेशियो लेमडा इज टू 1। तो यहां से हम लोग बोलेंगे ना कि अल्फा इक्वल टू आई मीन एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 6 λ - 2 λ+1, ठीक है, ये फर्स्ट। और सेकेंड में हम लोग बोलेंगे 4 - अल्फा इक्वल टू 13 λ - 3 λ+1 सेकेंड। अब जरा देखो हमारे पास मेरे को लैम्डा का वैल्यू चाहिए कब, जब अल्फा लेस देन हमारे पास क्या बोला गया है 8, तो अल्फा लेस देन 8 के लिए लैम्डा का वैल्यू, जस्ट लिसन टू मी, तो अल्फा लेस देन 8 में मैं यूं बोलूं कि यहां पे अल्फा का वैल्यू मैं लेस देन 8 करके लैम्डा का वैल्यू निकाल सकता हूं। अच्छे से समझना मेरी बात को, अल्फा का वैल्यू आप कर लो क्या लेस देन 8 और लेस देन 8 करके लैम्डा का वैल्यू आप निकाल लो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और फिर एक बार मेरे पास बोला गया अल्फा का वैल्यू बताओ, अगर लैम्डा का वैल्यू मैं बोल देता हूं ग्रेटर देन -1/2, तो अल्फा का वैल्यू बताओ लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन -1/2, तो यहां पर अल्फा इज द, ध्यान देना, जो हमारे पास लैम्डा हमारे पास जो है, सॉरी अल्फा जो हमारे पास है लैम्डा के फॉर्म में फंक्शन है। मतलब बोल सकता हूं मैं कि हमारे पास जैसे बोलते हैं ना कि वाई इक्वल टू एफ एक्स में वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां पर बोल सकते हैं कि अल्फा इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा है, अल्फा लैम्डा के टर्म में है, तो अल्फा के लैम्डा के टर्म में है, तो अल्फा का वैल्यू लेस देन मैं 8 कर दूंगा तो 6 λ - 2 λ+1 लेस देन 8 हो जाएगा, तो वहां से हमारे पास अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग बोल देंगे एक बार लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन -1/2, तो लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 करो तो यहां पर हमारे पास अल्फा लैम्डा के टर्म में है और लैम्डा हमारे पास अल्फा के टर्म में, निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए, तो वहां से हमारे पास फिर अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्लियर है ना। तो इस दोनों से हमारे पास वैल्यू को पुट करते हुए इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए हमारे पास अल्फा और लैम्डा के वैल्यू पे आप लोग पहुंच जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है किसी को? तो चलो और लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका मैं आंसर दे देता हूं। और इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास कुछ यूं कर लो आप, इसका जो आंसर होगा मैं लिख देता हूं सब सारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास लिख दे रहा हूं
यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू माइनस 10 to 6 और लिम्डा आ जाएगा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 यूनियन माइनस 1 to इंफिनिटी। कर लीजिएगा, साइनस स्कीम से ही रिलेटेड है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अच्छा एक बात बताओ कि अगर इस क्वेश्चन में मैं कुछ इस तरीके की बात पूछ दू आपसे, ध्यान देना, समझो सारे लोग, क्वेश्चन में डेटा यही रखता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पे कर देता हूं फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा और अल्फा, और ये मैं कोऑर्डिनेट दे देता हूं मैं यहां पे कुछ इस तरीके से अल्फा, और ये दे देता हूं मैं एक कोऑर्डिनेट दे देता हूं अल्फा के अलावा 2α+1। समझो मेरे को फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा और फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा निकाल देना है। निकाल सकते हैं सभी लोग, देखो तो जरा अगर मैं इस क्वेश्चन को लेकर चलूं तो देखना सारे लोग, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी, ए का कोऑर्डिनेट -2 -3, बी का कोऑर्डिनेट 6 और 13, और पी हमने जो दे रखा है अल्फा और 2α+1, रेशियो जो दे रखा है लेमडा इज टू 1। तो आप बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 6λ -2 λ+1, और यहां से 2α+1 इक्वल टू हो जाएगा 13λ -3λ+1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोग ने पहले सॉल्व कर रखा था। तो अल्फा वैल्यू निकालो यहां से और इसमें पुट कर सकते हो, तो आप बताओ अल्फा वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो 2α -2λ+1 + 1 = 13λ-3λ+1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखो सारे लोग, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 6λ-2λ+1, फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं हम लोग इस स्टेप को, 13λ-3λ+1, λ+1 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 12λ-4λ+1 = 13λ-3λ+1। ये कैंसिल कर सकते हैं लेकिन ध्यान में ये रहे कि लेमडा नॉट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास 13λ और ये -3 = 13λ-3। तो बोलोगे सर ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, लैम्डा वैल्यू तो निकला ही नहीं, तो मैं बोलूंगा निकल गया ना लैम्डा वैल्यू, बढ़िया से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने सारा कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया क्या, सारा कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या लैम्डा के कुछ वैल्यू के लिए कैंसिल होगा कि सारे वैल्यू के लिए कैंसिल होगा, मेरी बात को ध्यान देना। लैम्डा वैल्यू जो भी पुट करना चाहते हो, लैम्डा वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो 0 पे दोनों कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू 1 पुट करना चाहोगे तो 1 पे भी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू 2 पुट करना चाहोगे तो 2 पे भी कैंसिल होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां से मैं बोलूंगा लैम्डा बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन ध्यान में रहे नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो सिर्फ माइनस 1। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर ना, तो उसी तरीके से आप अल्फा का भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है, निकल जाएगा ना। तो चलो आप हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा दे देता हूं होमवर्क में, इसको आप घर से करके ले आना। लिख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिग्मा का मतलब मैंने बता ही रखा है, सिग्मा का मतलब समेशन होता है, एक्चुअली सिग्मा आई इक्वल टू 1 से 19 तक एक्स आई का सम डायमंड वैल्यू निकालना है। तो इसका कहने का सेंस ये है कि x1 + x2 + x3 + up to x19 तक का वैल्यू निकालना है। सिमिलरली सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 19 वाई आई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, मैं उसको डिफाइन कर देता हूं, मैं सेक्शन फॉर्मूला में ही सब लोगों को पता भी होगा। अब जैसे सपोज करो कि हमने ये पी पॉइंट लिया और ये क्यू पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 मान लिया, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 मान लिया, लाइन ज्वाइनिंग PQ को अगर मैंने बोला R टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इफ द R डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग PQ इन टू इक्वल पार्ट्स, आई मीन टू से कि R विल बी द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ, तो मिड पॉइंट्स ऑफ PQ तो हमारे पास रेशियो क्या होगा,
1:1, 2:2, 3:3 कुछ भी ले लो इक्वल। तो इक्वल के लिए हमारे पास क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या बोलेंगे बताओ। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। आप इसको भी सेक्शन फार्मूला के में m और n के बदले 1 और 1 या फिर लेमडा और लेमडा वेरिएबल के फॉर्म में पुट करना चाहते हो तो लेमडा और लेमडा पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो हमारे पास कुछ इसी तरीके से आ जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर हमने आपके पास बोल दिया कि लाइन ज्वाइनिंग PQ बोले तो हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट x2 y2। लाइन ज्वाइनिंग PQ को R जो है ना 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जस्ट मेरी बात को लिसन टू मी, इफ द R डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग PQ इन 3 इक्वल पार्ट्स, तो 3 इक्वल पार्ट्स कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ इसको इस तरीके से लिख लो स्टेटमेंट वाइज। इफ R डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग P x1 y1 एंड Q x2 y2 इन 3 इक्वल पार्ट, देन पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के बारे में अगर मेरे को पता लगाना है तो आप बताओ। ये हमने P लिया, ये हमने Q लिया, PQ लाइन ज्वाइनिंग ये हो गया और 3 इक्वल पार्ट में R डिवाइड कर रहा है, तो कुछ हम लोग R एक बार यहां पे ले लिए, एक बार R हमने यहां पे ले लिया, तभी तो हमारे पास बोल सकते हैं हमारे पास कि ये पार्ट और ये पार्ट तीनों पार्ट का लेंथ इक्वल हो गया। तो यहां पे जो रेशियो लेंगे ना PR/RQ, तो PR अगर मैं ये R लेता हूं तो PR/RQ का जो वैल्यू होगा वो 1:2 होगा, अगर मैं ये R लिया तो PR/RQ का जो वैल्यू होगा वो 2:1 होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि R का पॉसिबल कितना कोऑर्डिनेट्स होगा तो मैं बोलूंगा 2। क्यों, हमारे पास ट्राइसेक्ट करने का मतलब यही हुआ ना, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब यही हुआ ना, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक R यहां पे एग्जिस्ट करेगा, एक R यहां पे एग्जिस्ट करेगा। उसी तरीके से मैं बोल दूं कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग PQ इज डिवाइडेड बाय R इन हमारे पास यहां पे 3 इक्वल पार्ट्स था, मैंने बोल दिया 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास जैसे सपोज करो 3 इक्वल पार्ट्स में था तो हमारे पास R का 2 कोऑर्डिनेट निकला, तो 4 इक्वल पार्ट्स में बोलेंगे तो R का 3 कोऑर्डिनेट्स निकलेगा, 5 इक्वल पार्ट्स में बोलेंगे तो R का 4 कोऑर्डिनेट्स निकलेगा, तो आई मीन टू से n इक्वल पार्ट्स में बोलेंगे तो R का हमारे पास n-1 कोऑर्डिनेट्स निकलेगा। तो ये थोड़ा याद रखना, आगे किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, बट मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पे एक बात और, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बहुत लोगों के मन में ना ये भी हमारे पास ध्यान देना, बहुत लोगों के मन में ये भी चलते रहता है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन का जो रेशियो है और इंटरनल डिवीजन का जो रेशियो है, किस रेशियो का वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ा होगा और किस रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा होगा। मतलब जरा सोचो ना यहाँ पे कि हमने पी दिया और ये क्यू दिया, ये x1 y1 और ये हमने x2 y2 दे दिया, लाइन ज्वाइनिंग PQ को इंटरनली R को हमने कुछ यहां पे दे दिया, R जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो मैं बोलूंगा m:n रेशियो में, तो m:n का जो वैल्यू हमारे पास है m/n का वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्यों, यहां पे आपके पास लग ही रहा है कि ये वाला वैल्यू जो है इस वैल्यू से बड़ा होगा, आपके पास m/n का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है R का पोजीशन। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, तो ऐसा कुछ नहीं कि रेशियो का वैल्यू इंटरनल डिवीजन में 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, एग्जैक्ट हमारे पास कुछ बोल ही सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रेशियो होगा वो वैल्यू 1 से बड़ा हो भी सकता है और 0 से 1 के बीच में भी लाई कर सकता है, और यही सेम सिचुएशन एक्सटर्नल डिवीजन में भी होगा। मतलब कि यहां पे अगर हमने बोल दिया ये पी ये क्यू लाइन ज्वाइनिंग PQ को R हमने डिवाइड करना है एक्सटर्नली, तो PR बाई QR का वैल्यू यहाँ पे जो रेशियो होगा, तो आप बताओ ना PR और QR, तो PR का डिस्टेंस QR के डिस्टेंस से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, और जनरली बच्चों के पास ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि यहाँ पर रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है क्या, ये हमने P ले लिया, ये हमने Q ले लिया, ध्यान देना मेरी बात को, और प्रोड्यूस ही करना है, डिवाइड करना एक्सटर्नली, तो मैं इधर से भी कर सकता हूँ,
आर को मैं इधर से ले लिया आपके पास, तो इस तरीके से मैं लूंगा तो पी आर बाई क्यू आर का जो वैल्यू होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस तो इस डिस्टेंस से तो कम होगा, तो ये लेस देन वन होगा। मतलब कि हमारे पास जो रेशियो होगा, एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी लेना है लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो का वैल्यू वन से बड़ा और वन से छोटा कुछ भी हो सकता है किसी भी डिविजन में, ठीक है ना। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे थोड़ा सा जो समाप्त करना चाहूंगा मैं, और इससे रिलेटेड अभी और कुछ हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड, और सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इन कर जाएंगे, आई मीन टू से सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स लाइक सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड नाइन पॉइंट सेंटर, ये सारे सेंटर के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, सारे सेंटर के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, और इस सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।